98.3 मिर्ची से मैं हूँ सुकृति और इस वक्त हूँ मैं शिवानी के घर पर और अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ बेटी शिवानी की आवाज़ जिसने अपनी आवाज़ उठाई बाल विवाह जैसी एक प्रथा के अगेंस्ट. शिवानी ने बाल विवाह करने से मना कर दिया. शिवानी थैंक यू सो मच. मुस्कुरा दो पहले थोड़ा सा. शिवानी सबसे पहले पूछना चाहूँगी कितने साल की हो? मैं 16 साल की हो गई हूँ. 17 में लगी हूँ अभी. 17 में लग गई हो? हाँ. बहुत क्यूट दिख रहे हो, बता दूँ मैं इतना? हाँ. अच्छा शिवानी मुझे एक बात बताओ, आपको कब पता चला कि आपकी शादी होने वाली है? घर में कोई बात हुई? कैसे पता चला? घर में मेरे बात तो हो रही थी कि आएंगे वहाँ से लेने देखने के लिए, तो आने दो मिनट का देखने तो सभी आते आएंगे, अब समाज वाले सब देखने आएंगे. आए तो वो लड़के वाले उन शादी की बात करने लगे थे, तो मैंने मम्मी इनकी किसी की भी इच्छा नहीं थी क्योंकि अभी बड़े भैया हैं, उनकी शादी होगी उसके बाद में मेरी होगी, तो मैंने मना बोल दिया कि नहीं मेरे को अभी शादी नहीं करना है, पहले मेरे को पढ़ाई करना है उसके बाद में शादी की सोचना. तो मम्मी ने सबने मना कर दिया, फिर भी मेरे घर वालों ने सबने ही मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे हम शादी, तो अभी करेंगे नहीं जिसमें पढ़ाई करवाएंगे हमारे. बहुत सारी बच्चियां शायद तुम्हारे साथ की हों या शायद तुम ना भी जानती हो जिन पे बाल विवाह जैसी प्रथा का बोझ हो सकता है, जैसे उन्हें कोई फोर्स कर सकता है शादी करने के लिए, आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे शिवानी? दीदी एक तो मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी भी मैंने रुकवाई यानी कि वो उसके घर वाले हों तो नहीं, उसके पापा भी नहीं करना चाहते लेकिन अब वो मजबूर है करने के लिए, तो मैंने उसको मना भी बोला, मैंने कहा नहीं मत करे, तू मत करे जब भी अब वो घर वालों से मजबूर है तो कर रही है फिर भी शादी. क्या वो शादी कर रही है? हाँ. आप रोक सकते हो? हम रोक सकते हैं. अगर रोक सकते हैं तो प्लीज़ हमें बताओ कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हम रोकना चाहेंगे. दीदी नहीं रोक सकते क्योंकि सारी तैयारी हो गई ना उसकी. कितने साल की है वो? वो 15-16 की है वो भी. शिवानी आप चाहो तो अपनी दोस्त की शादी रोक सकते हो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और डायल करना है नंबर 1098. वहाँ पर आप अपना नाम भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है और जब आप वहाँ पे कंप्लेन करते हो ना तो अथॉरिटी अपने आप एक्शन ले लेगी और आप बीच में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगे और ना ही दोस्त को पता चलेगा कि ये काम शिवानी ने किया है. अच्छा शिवानी मुझे बताओ, आप यूनिसेफ के चेंज लूमर से जुड़े हो, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मामी है वो भी चेंज रूमर से पहले जुड़ी हुई थी, मैं उनके पास ही रहती थी, अब वहाँ पे जो भी मीटिंग होती थी कुछ भी होता था तब मैं उनके साथ में जाती थी, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे वो रोने लग जाते थे, वो परेशान करते थे, वो रहते नहीं थे, तो वो बोले मैं अब रह देती हूँ तो तू चल जाना योगिता के साथ में. मैं ऐसे करके चेंज रूमर से जुड़ी और चेंज रूमर से ही मेरी पढ़ाई भी चल रही. क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा मुझे बताओ पढ़ाई में कितना मन लगता है? पढ़ाई में तो ज़्यादा इतना वो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई है ना, कि पहले मेरे को इतना कोई वो नहीं था कि पढ़ के क्या करेंगे, दूसरे के घर तो जाना है रोटी बनाना है ऐसा करना है, लेकिन अब मेरे को मम्मी और पापा मेरे भैया ने समझाया, बोले पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, तो अब मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन लगता है. तुम्हारी बीच में पढ़ाई छूट गई थी? हाँ. क्यों छूटी थी? इस वजह से कि अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मन ही नहीं लगता था बिल्कुल भी क्या करेंगे पढ़ के, इसलिए छोड़ दी थी पढ़ाई. और फिर चेंज रूमर में जैसे ही जुड़ी वहाँ पे थोड़ा समझा कि पढ़ाई अपने लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये उसके बाद में फिर मैंने बोला मेरे को पढ़ना है अब, तो फिर वहाँ से एडमिशन लिया और 9th की पढ़ाई की मैंने, वो पेपर दिए. क्या बात है, थैंक यू सो मच शिवानी हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. ठीक है दीदी, मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. बेटी की आवाज में ये थी हरदा की बेटियां, एन इनिशिएटिव बाय 98.3 मिर्ची विद टेक्निकल सपोर्ट बाय यूनिसेफ मध्य प्रदेश.